जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पूर्वांचली वोटर्स के भरोसे जनता दल यूनाइटेड भी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली के चुनाव प्रभारी और साथ ही साथ नीतीश सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा। संजय जी, कितनी उम्मीद है आपको यहाँ पर चुनाव लड़ने का, क्योंकि आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीते नहीं थे, तो पार्टियाँ बार बार कहेंगी आप वोट कटवा के स्थिति में हैं। देखिए, यहाँ पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा बेस है और वो लोग वोट तो देते रहे। अब उनका सेकंड जनरेशन आ गया, जो लोग आए थे वो 150 गज जमीन लेके सेटल करके और दिल्ली को ग्रो करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनको कहीं कोई लेजिटिमेट अधिकार, उनके लिए काम कोई नहीं कर पाया, ना उनको पॉलिटिकल जगह। उन्हीं के आग्रह पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार। आप देखते नहीं हैं इनका कि वोट ले करके सरकार चला रहे हैं, और जब बात आती है तो बोलते हैं कि 500 रुपया ले कर आते हैं, आप 5 लाख का इलाज कराते हैं। यही ना भावना है उनकी पूर्वांचल के लोगों को लेकर के। तो हम लोग का कल यहाँ कार्यक्रम है, प्रशिक्षण शिविर है और 17 विधानसभा के हमारे वर्कर आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी का उद्बोधन होगा और फिर हम लोग तय करेंगे कि कितने सीट पे लड़ेंगे। बिहार में आपका बीजेपी के साथ गठबंधन है, यहाँ पर बीजेपी एक मेन अपोजिशन पार्टी है, वो भले आपको एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, यहाँ पर बीजेपी से आप किस तरह से निपटेंगे? देखिए, हमारा बिहार में अलायंस बीजेपी के साथ है, बिहार के बाहर हमारा कोई बीजेपी से अलायंस नहीं है, और उनको भी यहाँ पे मौका मिला। लेकिन मैंने कहा कि जो पूर्वांचल के लोग हैं खास करके, उनका कोई इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ, उनको वोटर बना के रखा, उनका कोई ना पॉलिटिकल जगह मिली, ना उनके लिए कोई काम हुआ। और जो मैं कॉलोनी में जाके देखता हूँ, इससे तो 100 गुना बेटर हमारा बिहार का गाँव है। रोड का हाल, बिजली का हाल, पीने के पानी का हाल, इसमें लार्जली तो वही पूर्वांचल का लोग रह रहा है ना, उसका लिविंग कंडीशन देखिए, बिहार के लोग उससे बहुत बेहतर तरीके से रहते हैं। बिहार की में तो अलायंस है ही, लेकिन यहाँ पे अगर आप जब चुनाव प्रचार करेंगे, बीजेपी को आपको टारगेट करना पड़ेगा, किस तरह से आप लोग? नहीं, हम बताए ना आपको कि भाई यहाँ पर हम चुनाव JDU अकेले चुनाव लड़ेगी, और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं पर जो हम लोगों ने काम किया है और नीतीश कुमार का चेहरा लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? ये नंबर अभी हम लोगों का कोई तय नहीं है, अब इस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ करके फिर जैसा पार्टी में विचार होगा फिर हम लोग तय करेंगे। साफ तौर पे जदयू जो है एक बार फिर पूर्वांचली वोटर्स के भरोसे जो है वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन संदीप तिवारी के साथ रोहित मिश्रा।